गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज योर एसएसटी क्लास एंड आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ओके, सो इन दिस चैप्टर आई विल टीच यू अबाउट द सन एंड द सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज द सन एंड द स्टार्स। तो जो हमारा सन है वो हमारे प्लैनेट के इतने पास है, सबसे ज़्यादा पास है किसी भी स्टार के, और क्योंकि सन को भी हम एक स्टार की तरह ही मानते हैं, ठीक है, एक स्टार ही मानते हैं, और किसी दूसरे स्टार से ज़्यादा जो हमारे प्लैनेट के पास है वो है सन। ठीक, जो सन की लाइट होती है उसे अर्थ तक पहुँचने में सिर्फ 8 मिनट्स लगते हैं, बाकी जो स्टार्स हैं उनकी लाइट यहाँ तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं, यानी उनकी लाइट को अर्थ तक पहुँचने में बहुत सालों लग जाते हैं। ठीक, स्टार जो होते हैं अर्थ सन के अलावा, सन को हम एक स्टार जी सो सन को हम एक स्टार की तरह ट्रीट करते हैं, एक स्टार ही बोलते हैं। तो जो दूसरे स्टार्स हैं वो यहाँ से देखने में तो हमें बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहुत बड़ी जायंट बॉल्स होती हैं जो कि हॉट गैसेस से फिल होती हैं। ठीक, जिनके अंदर हॉट गैसेस भरी हुई होती हैं। ओके, जस्ट लाइक आवर सन, जैसे हमारा सन होता है उसी की तरह उसके अंदर हॉट गैसेस भरी हुई होती हैं, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे वो यंग होते हैं, उसके बाद वो एक मिडिल एज में आते हैं, फिर उसके बाद वो आखिर में आकर मर जाते हैं। ठीक, इन जो चेंजेस होते हैं स्टार्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इन चेंजेस के लिए, इसलिए वो नोटिसेबल नहीं होते, यानी उन्हें ज़्यादा लोग नोटिस नहीं कर पाते। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें करोड़ों साल लगते हैं इन चेंजेस को अपने अंदर लाने के लिए। ठीक, जो सबसे बड़ा स्टार है जो कि सन से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, वो है हमारा, जिसे हम जायंट स्टार्स कहते हैं। और जो स्मॉलर स्टार्स हैं जो कि जुपिटर से थोड़े ही छोटे होते हैं वो स्मॉलर स्टार्स कहलाते हैं। ठीक, फिर आर नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिवर्स। ठीक, हमारे यूनिवर्स को, यस, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, जितनी भी हमारे आसपास हमारे सोलर सिस्टम में चीज़ें हैं वो सब यूनिवर्स के अंदर आती हैं, जैसे इतने स्टार्स हैं, सन है, मून है, और हर चीज़ जो कि सोलर सिस्टम में आसपास दी गई है। ठीक, यूनिवर्स के अंदर सारी सेलेस्टियल बॉडीज, एनिमल्स, प्लांट, मिनरल्स, गैसेस, एवरीथिंग, जो चीज़ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सब हमारे यूनिवर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो चीज़ें स्पेस के बाहर हैं, यानी आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर हैं, वो भी हम जो हम देख भी नहीं सकते वो भी यूनिवर्स के अंदर आती है। ठीक, बेसिकली यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी अर्थ के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे आसपास जैसे सन है, स्टार्स हैं, मून है, जितनी भी चीज़ें जो कि जैसे प्लांट्स, मिनरल्स, गैसेस, ये जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं, वो सब हमारी यूनिवर्स में आती हैं। यूनिवर्स के अंदर वो चीज़ें भी आती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में गिवन है, यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक, वो भी यूनिवर्स के अंदर आती हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमारा आता है नेबुला। नेबुला क्या है, एक बहुत ही बड़ा मास ऑफ गैस है और डस्ट, यानी यहाँ पे गैस और डस्ट होता है। ठीक, ये नेबुला ही होता है जिसके थ्रू सेलेस्टियल बॉडीज़ बनती हैं, सारे स्टार्स जो होते हैं वो नेबुला के थ्रू ही बनते हैं, इसे हम मंथ ऑफ ऑल स्टार्स भी कहते हैं। ओके, फिर आते हैं स्टार्स। स्टार्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ह्यूज मास है बर्निंग गैसेस, गैसेस को बर्न करने का। स्टार्स जो होते हैं वो साइज़ में अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्पेस में लोकेट होते हैं। ठीक, What you see at night is just a fraction of total number of stars present there. जो हम रात में स्टार्स देखते हैं वो सब फ्रैक्शन है यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स प्रेजेंट हैं। ठीक, फिर हमारा आता है कॉन्स्टलेशन। कुछ स्टार्स जो होते हैं उनकी सिमिलैरिटी होती है पोजिशन और मूवमेंट, यानी एक जैसे उनकी पोजिशन होती है, एक जैसे उनका मूवमेंट होता है, वो बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न की तरह दिखते हैं। ठीक है जी, सो कॉन्स्टलेशन में क्या होता है, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं इनकी सिमिलर पोजीशन होती है, मूवमेंट होता है, यानी एक ही तरह की पोजीशन और मूवमेंट होती है, इसलिए एक फिक्स पैटर्न की तरह दिखते हैं वो, तो उन स्टार्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ठीक, ऐसे पैटर्न्स, यानी जो स्टार्स से पैटर्न्स बने हुए होते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ठीक है, जो कॉमनली कॉन्स्टलेशन जैसे कैसोपिया, द उर्सा मेजर, द ओरियंस बेल्ट, द उर्सा माइनर। ठीक, उर्सा मेजर को हम हिंदी में सप्तऋषि भी कहते हैं, इसका मतलब है 7 सेजेस। ये जो नाम लिया गया है वो वेदा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। सो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो हम रात में देख सकते हैं एक गैलेक्सी से। ठीक, तो हमने नोटिस किया होगा एक क्लियर स्कैरी नाइट, चैन देर इज अ स्ट्रेच ऑन द स्काई, जिसका एक स्ट्रेच होता है स्काई के ऊपर, विच इज कम्पिटेटिवली मोर देन 1 स्टार, जो कि एक बहुत सारे स्टार से ज़्यादा होते हैं। ठीक, और देन द रेस्ट ऑफ द स्काई, देर आर मिलियन स्टार इन दिस पैच, इस तरीके के पैच में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इसे हम मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, मिल्की वे को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं, ये हमारी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं और एक स्टार के आसपास रिवॉल्व करती हैं, स्टार के सन के आसपास, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो सन के आसपास रोटेट करते हैं। ठीक है,
फिर हमारा आता है सन। सन क्या है? सन एक क्लोज स्टार, यानी सबसे अर्थ के सबसे पास क्या है? सन। अर्थ हमारे कौन से नंबर? अर्थ हमारे थर्ड नंबर पर आता है सन के रोटेशन में। ठीक, एक बहुत बड़ी बॉल है बर्निंग गैसेस की, जो कि जितनी भी गैसेस होती हैं उसे बर्न करती है, जलाती है। इसका डायमीटर होता है 13 लाख किलोमीटर्स और नियरली 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के इसका जो डायमीटर होता है वो इतनी डिस्टेंस होती है 13 लाख किलोमीटर या फिर 100 टाइम्स ज़्यादा अर्थ के दूर होता है। ठीक, अब इम्पोर्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है सन के मामले में? सबसे बड़ा सोर्स है हीट का, यानी हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है। ठीक है, हीट और लाइट जो होती है सन की, वो बहुत ज़रूरी है फूड प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स उसी के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। सन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजन को बदलने में मदद करता है। ठीक है, सन जो है वो वाटर और एयर को सन को वाटर एयर करंट्स की इसकी वजह से होते हैं, जिसके अंदर हमारा वेदर चेंज होता रहता है, वेदर में मूवमेंट आते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है सोलर सिस्टम। जो सन है वो एक प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ और नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ है, जो कि उसके आसपास मूव करते रहते हैं। ठीक, जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम को इज ऑल्सो कॉमन एज द सन एंड इट्स फैमिली, और इसको कॉमनली क्या कहते हैं? सन और इसकी फैमिली। ठीक है, सो एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम हियर। नाउ आवर फर्स्ट प्लैनेट इज द मरकरी। मरकरी सबसे पास होता है सन के। ठीक है, फर्स्ट प्लैनेट है ये जो सन के पास होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सन के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। इसे 88 डेट्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। ठीक, फिर मरकरी के बाद सेकंड प्लैनेट जो आता है वो आता है वीनस। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है सन के पास। इसे हम ट्विन्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज जो होता है वो थोड़ा अर्थ की तरह होता है। ठीक, इसे हम ईजिली क्योंकि विजिबल इन द स्काई, इसे हम आराम से देख सकते हैं आसमान में अर्ली मॉर्निंग सुबह में या फिर रात में शाम में। इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती। इसे 255 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। ठीक, फिर आता है अर्थ। अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सन के डिस्टेंस से। इसे 365 और 4 डेज लगते हैं रिवोल्यूशन को सन के पास कंप्लीट करने में। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिर ये बिल्कुल स्पेरिकल नहीं है शेप में, ये बिल्कुल एक फ्लैटन बॉल की तरह है। ठीक है, घुमा हुआ रहता है, इस शेप को हम ग्यूराइड भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाता है सन। सन जो है एक ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी सन एक ऐसा लौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ, यानी जहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, इसका यहाँ पर पानी है, ज़मीन है, हवा है, यहाँ पर लाइफ जो होती है वो सस्टेन रहती हैं। और ज़्यादा यहाँ पर गर्मी नहीं होती, ना ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर बहुत सारी गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ। ठीक, नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। सो मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है सन का। इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इसका जो कलर होता है बिल्कुल रेड होता है। ठीक है, लार्ज क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड ऑक्साइड है उसकी मिट्टी में, तो इसलिए यहाँ का जो प्लैनेट होता है वो रेड है। इसे 687 डेज लगते हैं रिवोल्यूशन में सन के अराउंड। ठीक है, इसकी दो सैटेलाइट्स हैं जो कि सन के आसपास घूमती रहती हैं। इट स्पिन ऑन एक्सिस इन वन डे। ठीक है, ये स्पिन करता है अपने एक्सिस के वन डे पर। ओके, नाउ ये जो इन फोर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग एक रिंग है एस्टेरॉइड्स की, जो कि छोटी स्मॉलर रॉक्स से बनी हुई होती है, स्टोन मूविंग अराउंड, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी के बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है जुपिटर। जुपिटर आपको पता है कि जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फिफ्थ प्लैनेट है और लार्ज सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, इसे 11 ईयर्स 11 मंथ लगते हैं सन के अराउंड रोटेशन में। फिर आता है सैटर्न। सैटर्न जो है सिक्स प्लैनेट है सन के नंबर पर। इसकी सैटर्न की जो होती है रिंग होती है, आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक रिंग इसके आसपास बनी हुई, वो इस वजह क्योंकि वो किससे बनी हुई थी, वो डस्ट से, रॉक और आइस से बनी हुई थी। एक सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट ये कहलाता है। ठीक, फिर आता है उरेनस। ये सेवन्थ प्लैनेट है सन का, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, जिससे इसकी भी एक रिंग होती है आसपास, जो कि 84 ईयर्स में ऑर्बिट होता है ये। इसके एक्सिस पर 17 आवर्स और 14 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, इसके 17 सैटेलाइट्स हैं और मून जो है इसके आसपास रिवॉल्व करता है। ठीक है, हमारा फिर लास्ट प्लैनेट जो है वो है नेपट्यून। ये 8th और 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये दिस ऑल्सो अपेयर्स ब्लू। ये भी ब्लू होता है, ये इस वजह से नहीं होता कि जैसे हमारा अर्थ है उसके अंदर ब्लू है तो इसकी वजह से पानी है वहाँ पर, नहीं यहाँ पर पानी नहीं होता है, बल्कि ये यहाँ पर मैथेन गैस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ही ब्लो होता है। ठीक है, इस सन के आसपास 164 ईयर्स लगता है रिवॉल्व करने में। ओके, सो क्लास
दिस इज इनफ फॉर टुडे. आई विल एक्सप्लेन द अदर हाफ ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.